एवरीवन, आपसे शेयर कर रही हूँ मैं आज का दोपहर का खाना, जो कि मैं बैंगन आलू बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनेगा, इस तरह से आप भी बनाइएगा। तो मैं इसके लिए लहसुन छील रही हूँ सबसे पहले, फिर दो प्याज छील रही हूँ। ये घर का प्याज है, लहसुन भी मेरा गांव से आया हुआ है। फिर अच्छे से छील रही हूँ मैं, आलू को भी छील रही हूँ और इसको अच्छे से धो ली हूँ। सभी को धोने के बाद एक थाली ले ली हूँ और बैंगन को कट कर लेंगे हम। बड़े बड़े पीस में कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, तरी वाली नहीं बनाऊँगी। थोड़े से डंठल को हटा दी हूँ मैं, इसको अच्छे से पतले पतले काट लेंगे। इस तरह से देखिए मैं पतला पतला काट ले रही हूँ। सभी को काटने के बाद आलू को भी मैं बड़े बड़े पीस में कट कर रही हूँ। आलू को भी लंबा लंबा कट कर ली हूँ मैं, इसको साइड में रखते हैं। अब हम टमाटर लहसुन प्याज को भी काट लेते हैं। सबसे पहले मैं प्याज और लहसुन को निकाल लेती हूँ। सभी को निकालने के बाद इसको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। देखिए मेरे बेटा नीचे आके खड़े हो गए हैं पैर के पास, ऐसे ही करता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ, ऐसे ही परेशान करते रहता है। कभी कभी बहुत परेशान करता है तो मैं मोबाइल ले देती हूँ। फिर देखिए लहसुन प्याज को कट कर ली हूँ। अब टमाटर को भी कट कर लेते हैं। टमाटर को भी मैं बारीक से कट कर दे रही हूँ। दो टमाटर है ये, मैं दोनों टमाटर को दाल और सब्जी दोनों के लिए यूज करूँगी। फिर मैं गैस ऑन कर ली हूँ। इसमें हम रखेंगे एक पैन, मैं फ्राई पैन ली हूँ। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, फिर इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सरसों राई डालेंगे। फिर इसको थोड़े चटकने देंगे, ये चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज और लहसुन और दो हरी मिर्च। फिर इसको हम कर देंगे, फिर देखिए मेरा बेटा नीचे खेल रहा है। फिर इसको थोड़ा सा भूनने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आलू, आलू डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसको ढक्कन लगा के पकने देंगे, लो फ्लेम पे पकने देंगे। फिर मैं इधर देखिए दाल डाल रही हूँ कुकर में। फिर इसमें पानी डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेंगे। रगड़ की दाल है, दो तीन पानी अच्छे से धो लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़े से टमाटर डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए। फिर इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। फिर इसको ढक्कन लगा के इस वाले चूल्हे पर रख दे रही हूँ मैं। देखिए इस पर चढ़ा दी हूँ और हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, आलू थोड़ा सा पक गया है। तब हम डाल देते हैं मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तीनों डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ मैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे साथ में टमाटर, टमाटर डाल के अच्छे से कवर कर देंगे। टमाटर को ढक देंगे, फिर इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे रख देंगे। फिर ले ली हूँ मैं आटा एक परात में। फिर इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, हाथ में क्रश करके डालेंगे। देखिए अच्छे से हाथ में अच्छे से क्रश कर ली हूँ मैं। लगभग एक चम्मच डाली हूँ। फिर देखिए मुट्ठी भर के मैं ली हूँ कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, अच्छे से धूप में सुखा दी थी तो अच्छे से मैश हो गए। थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से गोट ली हूँ। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब देख लेते हैं टमाटर और आलू को। देखिए ये भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। सभी बैंगन को डालती हूँ मैं, फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर ढक्कन लगा के पकने देंगे, लो फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए दाल भी तीन सीटी हो चुकी है। अब हम इसको बंद करके उतार देते हैं। फिर उसी गैस को ऑन कर ली हूँ मैं। इसमें रखेंगे कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी एक आधा चम्मच लगभग घी, फिर थोड़ा सा नमक डालूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा मखाना फ्राई कर रही हूँ मैं। मेरे बेटे के लिए फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो बैठा है नीचे, कुछ कुछ खाने के लिए हो रहा है, तो मैं मखाना फ्राई करके दे दे रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद दूँगी तो सब्ज़ी तब तक चला लेती हूँ। सब्जी को ढक्कन लगाती हूँ मैं। और देखिए मेरे बेटे मोबाइल देखने बैठ गए, अपने पापा का मोबाइल लेके। फिर इसको मखाना खिला दी हूँ, तो ये अपने से खा रहा है। देखिए इस तरह से अच्छे से खा लेता है मखाना। फिर सब्जी देखिए लगभग बन गया है, 15 मिनट में लगभग सब्जी से बन गया है। देखिए इस तरह से अच्छे से बन गया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के उतार देंगे और उसी के ऊपर रख दी हूँ मैं। एक दाल को खाली करके उसी में चावल चढ़ा दी हूँ मैं। फिर देखिए मैं आटा को एक साइड में तवा रख के आटा को अच्छे से चिकना कर ली हूँ। फिर इसको हम लोई तोड़ लेंगे, बड़े बड़े लोई तोड़ ली हूँ मैं। फिर इसको हम इस तरह से डो बना लेंगे और इसको पराठा बेल लेंगे। आप अपने मनपसंद से पराठा बेल सकते हैं, मैं चौकोन शेप में बनाऊंगी। इस तरह से बेल के थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ मैं अच्छे से। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ। इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बेल लेंगे हम लोग। इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा ली हूँ। फिर इसको अच्छे से बड़े से बेल ली हूँ। इस तरह से बेलने के बाद इसको हम तवे पर डाल देंगे। तवा भी गर्म हो गया है, फिर दूसरा भी बेल लेती हूँ। देखिए दूसरा भी बेल ली हूँ। अब इसको उलट पलट करके अच्छे से सेकेंगे और थोड़ा सा तेल लगा देंगे ऊपर नीचे से, दोनों साइड से तेल लगा के इसको अच्छे से उलट पलट करके गोल्डन होने तक सेक लेंगे। देखिए अच्छे से सिक गया है। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट पे। फिर देखिए मेरा पूरा खाना बन गया है। अब मैं हस्बैंड के लिए खाना सर्व कर रही हूँ। देखिए थोड़े से चावल निकाल रही हूँ, दो पराठा डाल रही हूँ। ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। फिर इसमें दो पराठा डाल रही हूँ, साथ में डाल दे रही हूँ मैं दाल। दाल मेरे सिंपल से बना है, क्योंकि मैं बैंगन की सब्जी बनाई हूँ तो इसलिए मैं दाल सिंपल बनाई हूँ, फ्राई नहीं की हूँ। फिर दाल डाल दी हूँ कटोरी में। फिर निकाल दे रही हूँ थाली में सब्जी, बैंगन की, बैंगन आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है।
इस तरह से मैं बैंगन आलू की सब्जी बनाती हूँ। फिर डेली हूँ दो आम की अचार। देखिए मेरा खाना बनके तैयार हो गया है, दोपहर का लंच। इस तरह से आप भी लंच बना के तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरी बेटी के साथ मैंने आज लंच